नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं जो आपका बिहार पुलिस का 21,391 पोस्ट पर भर्ती आया था और जिसका एग्ज़ाम आपका रद्द हो गया था और फिर से आपका एग्ज़ाम 7 अगस्त से चालू होने जा रहा है, जिसका ऑफिशियली रूप से एग्ज़ाम डेट मतलब आ चुका है। उसमें जो आपका 1 अक्टूबर को 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, आखिर उस 2 शिफ्ट में जो है मैथ से, हिंदी से और इंग्लिश से मिलाकर आपका 25 क्वेश्चन पूछा गया था। 25 क्वेश्चन का बहुत बड़ा महत्व होता है। आखिर उस 25 टॉपिक जो है प्रश्न जो है कौन कौन से टॉपिक से पूछा गया था, इसको अच्छे से समझ लीजिए। बस इतना टॉपिक अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका 25 में 17 से 18 अंक इजली रूप से आसानी से बन जाएगा। आप क्या कीजिएगा, पहले इतना टॉपिक पढ़ने के बाद ही नए टॉपिक को पढ़ना है, और हो सकता है तो हम कल शाम या परसों शाम से आपके लिए बिहार पुलिस का टॉपिक वाइज क्लास चालू करने जा रहे हैं। इसके पिछले वीडियो में आपको जीके जीएस का टॉपिक वाइज सिलेबस बता दिए, आज आपको मैथ, हिंदी और इंग्लिश का पैटर्न बताने जा रहे हैं, इसलिए अंत तक ज़रूर देखना है। और उससे पहले जो साथी मेरे नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि बिहार पुलिस में सफलता आपको मिल सके, और बिहार पुलिस में सफलता जो है आपको इसी चैनल से मिलेगी। अब देखिए, जो 25 प्रश्न कौन कौन से टॉपिक से पूछा गया। मैथ से आपका 9 से 10 प्रश्न पूछा जाता है और 9 से 10 प्रश्न लगभग इसी टॉपिक से पूछा जाता है। देखिए कौन कौन से, इन सभी टॉपिक को हम पहले भी पढ़ाए थे, फिर से भी पढ़ाएंगे। पहले जीके जीएस चालू कर रहे हैं, अंतिम समय में इसको पढ़ाने का काम करेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है। देखिए, मैथ में आप प्रतिशत जरूर पढ़िए जा, क्योंकि प्रतिशत से आपका 1 से 2 प्रश्न हो सकता है, किसी शिफ्ट में 1, किसी शिफ्ट में 2 प्रश्न पूछ लिया जाता है। दूसरा, आप औसत पढ़िएगा, औसत से भी आपका 1 से 2 प्रश्न पूछा जाता है। देखिए, मैथ का आपका जो 10 प्रश्न पूछा जाता है वो 10 में 7 से 8 एकदम बेसिक लेवल का मैथ आपसे पूछा जाता है, इसलिए कोशिश ये करना है कि जो बेसिक लेवल का आपका मैथ है वो किसी भी कीमत पर आपसे नहीं छूटे। अगला है लाभ और हानि, लाभ और हानि से भी आपके मतलब एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद है साधारण ब्याज, साधारण ब्याज से भी 1 से 2 प्रश्न हर हाल में पूछा जाता है। आप जब अच्छे से पैटर्न को देखिएगा तो समझ में आ जाएगा, और इन सभी टॉपिक को बेसिक पढ़ने का कोशिश करना है, एकदम अंत तक देखकर समझिए। सरलीकरण, मैथ का बेसिक होता है सरलीकरण, जिसमें बोर्ड मास भी आता है, वहाँ से भी 1 से 2 प्रश्न पूछा गया था। अगला है अनुपात, यानी कि अनुपात और समानुपात से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। घातांक और करनी से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे गए थे। उसके बाद है चक्रवृद्धि ब्याज, देखिए साधारण ब्याज इसे सिंपल इंटरेस्ट भी बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज इसे हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट भी बोलते हैं। अगला है क्षेत्रमिति, क्षेत्रमिति में आ जाएगा आपका आयत का पूरा क्षेत्रफल परिमाप, जितना होता है वर्ग हो गया, जितने हो गया वृत्त हो गया, गोला हो गया, यानी सब कुछ आ जाएगा आपका क्षेत्रमिति में। उसके बाद है बीजगणित, बीजगणित से भी 1 से 2 प्रश्न पूछता है, थोड़ा टॉप लेवल का पूछता है, ठीक। उसके बाद 11 नंबर में जो आपका टॉपिक है वो आपका कौन सा है, ये आपका लाभ और हानि हो गया, ठीक। हाँ चलिए, सही है, ये आपका 11 नंबर नहीं होगा। इतना टॉपिक हर हाल में अगर कवर करते हैं तो यहाँ से आपका 7 से 8 मैथ का प्रश्न हम दावा करते हैं कि यहीं से पूछता है, उतना आपका 10 में 7 से 8 अंक कन्फर्म हो जाएगा। अब आगे देखिए हिंदी, हिंदी का भी रोल आपका, देखिए मैथ का आपका 10 प्रश्न रहता है, हिंदी भी आपका लगभग 10 प्रश्न, इंग्लिश आपका लगभग 5 से 7 प्रश्न रहता है। ये 25 अंक का हम आपका पैटर्न बता रहे हैं। देखिए समाज से पूछा जाता है, समाज पहले भी हम पढ़ाए थे, फिर से भी पढ़ाएंगे, दम घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद पर्यायवाची शब्द, यानी पर्यायवाची शब्द जो हिंदी में होते हैं उससे भी बिहार पुलिस में आपका 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं।
अगला आपका है विलोम। विलोम का अर्थ हो गया उल्टा शब्द जो होता है, उससे भी आपके बिहार पुलिस में प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद है शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध और अशुद्ध से भी आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। संधि से भी पूछे जाते हैं। इन सभी टॉपिक को पढ़ाए थे, फिर अच्छे से पढ़ाएंगे। मुहावरा से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे गए थे। वर्णमाला से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे गए थे। किताब और लेखक से प्रश्न पूछे गए थे। यानी ये जो 10 मैथ का आपका पैटर्न हो गया, 10 आपका हिंदी का पैटर्न हो गया। अगर 10 यहाँ से हिंदी का ये सभी टॉपिक पढ़ लेते हैं तो आपको इजीली रूप से 8 से 9 अंक हासिल कर सकते हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा तो हम सब कुछ कराएंगे भी। अगला टॉपिक देखिए इंग्लिश है, जो 5 प्रश्न पूछा जाता है। क्या क्या पूछा जाता है? अगर आपका इंग्लिश थोड़ा अच्छा है तो पढ़िएगा, नहीं तो इंग्लिश को छोड़ देना है। इंग्लिश के जगह पर अगर दूसरे सब्जेक्ट पर मेहनत करते हैं वहाँ आपका स्कोर बढ़ जाएगा। और रहा बात 5 अंक का इंग्लिश, इंग्लिश पढ़िएगा तब भी, नहीं पढ़िएगा तब भी। नहीं पढ़ते हैं तो 5 में 2 से अंक इजीली रूप से आपका आना तय है। आपका नसीब साथ दिया तो 3 से 4 भी प्राप्त कर सकते हैं, और पढ़ते हैं तो ये है कि 4 अंक आपका हासिल होगा। अगला है कि साइनो एंटोसिस में प्रश्न पूछा जाता है। वॉयस से प्रश्न रहता है, नरेशन से रहता है। ये तीनों थोड़ा सा टॉप हो गया, साइनो एंट्रो, वॉयस और नरेशन। फिल इन द ब्लैंक्स होता है, वो इजीली रूप से आप बना सकते हैं। उसमें ये पूछा जाता है आपका कि ए का प्रयोग कहाँ पर होता है, एन का प्रयोग कहाँ होता है, द का प्रयोग कहाँ होता है, यानी इन सभी चीज़ों को, ऑन का प्रयोग कहाँ होता है, इन सभी चीज़ों का फिल इन द ब्लैंक्स में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद अगला है ट्रांसलेशन आपको दे देगा, उसमें उस टाइप से पूछा जाता है। और वर्ड्स देगा, पूछेगा कि ये वर्ड्स जो है कौन सही है कौन गलत है। यानी कि ये जो इंग्लिश का आपका 5 अंक का प्रश्न है, इसमें साइनो एंट्रो, वॉयस, नरेशन, फिल इन द ब्लैंक, ट्रांसलेशन और वर्ड्स, ये आपका हम जो बिहार पुलिस का 25 अंक का पैटर्न दम अच्छे ढंग से टॉपिक वाइज बता दिए। आप सभी इस चैनल के साथ जुड़ना मत भूलिएगा। हर हाल में सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। इसमें टोटल एक एक टॉपिक को अच्छे ढंग से पढ़ाएंगे, और पहले जीके जीएस चालू करने जा रहे हैं, कल या परसों से करेंगे। आपको नोटिस डाल ही देंगे वीडियो बना करके किस तरह से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक। और आप सभी इस चैनल को अगर ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते हैं तो उतने ही ज़्यादा एनर्जी के साथ आपको पढ़ाने का काम करेंगे। कभी भी इस चैनल पर किसी भी तरह से आपसे पैसे लेने की बात नहीं करते हैं। आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए ताकि आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं हो। मैथ में 1-2 टॉपिक रहता है, कभी कभी नया ला देता है, उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना पढ़िए, 7 से 8 अंक हासिल कीजिए, रिजल्ट जरूर होगा। और कोई प्रश्न है तो कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you.